हल्द्वानी के ब्लॉक सभागार में कृषक महोत्सव रबी का शुभारंभ किया गया है। यहां पहुंची मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, साथ ही प्रत्येक न्याय पंचायत पर किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि गोष्ठी के माध्यम से किसानों को उनके हर प्रश्नों का जवाब मिल रहा है, साथ ही वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार से वह अपना जीविका को बढ़ा सकते हैं इसका भी उन्हें फायदा मिलेगा। वहीं हल्द्वानी से 8 विकास खंडों में रथ भेजे गए हैं जो कि किसानों की समस्याओं का निर्वहन करेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए आज नैनीताल जनपद की कृषक महोत्सव का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। रवी की जो फसल होती है 2023 की, तो इसमें जो है 8 विकास खंड में 8 रथ प्रचार प्रसार के लिए आज यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई। तो इन रथों द्वारा जो है वो 8 विकास खंड में प्रत्येक विकास खंड के न्याय पंचायतों में ये रथ वहाँ पर घुमाया जाएगा, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनको अच्छी गुणवत्ता का बीज और अच्छी गुणवत्ता में जो मिट्टी में जो भी कमी होती है पोषक तत्वों के भरपाई के लिए आज इस रथ को रवाना किया गया। आज हल्द्वानी ब्लॉक में कृषि महोत्सव रबी की आज शुभारंभ किया गया है और इसके रथों को जो है हर न्याय पंचायत स्तर पर जाने के लिए जो है आज उनको हरी झंडी दिखाई गई है। और आज जितने भी हमारे किसान अन्नदाता आज यहाँ पर उस गोष्ठी में उपस्थित रहे हैं, आज उनको अपने किसानी के संदर्भ में जो उनके विशेषज्ञ है उनसे चर्चा करने का भी एक गोष्ठी रखी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कृषि महोत्सव निश्चित रूप से जो कि बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर लोगों को अवेयर करने के लिए, साथ ही सरकार की जो